नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे की तरफ से रेलवे टिकट कलेक्टर के पोस्ट के लिए जल्दी ही वैकेंसीज रिलीज की जाएंगी, जिनके लिए आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम रेलवे टीटीई की लेटेस्ट वैकेंसीज की अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि यहां पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे एंड कब तक आपका जो है यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा इन भर्तियों के लिए, और कब आपकी ये वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की जाएगी। सो काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं यहां पर बात करूं तो रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड आरआरसीबी की तरफ से इन वैकेंसीज को जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर पोस्ट के लिए जो वैकेंसीज है, ये अब जो है 7784 वैकेंसी रखी जाएंगी, क्योंकि दोस्तों काफी दिन हो चुके हैं, काफी साल हो चुके हैं जो है रेलवे टीटीई की वैकेंसीज को आए हुए, और पहले जो वैकेंसीज थी वो 2200 वैकेंसीज का अंदाजा लगा करके चल रहे थे, लेकिन अभी जो है आपकी वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है और 7784 पोस्ट यहां पर कर दी गई हैं, जिनके लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहां पर जो है ऑल ओवर इंडिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाएंगे। एंड आपका जो है एप्लीकेशन मोड भी ऑनलाइन रहेगा, आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आप अपना 10वीं पास कर चुके हैं, 12वीं पास कर चुके हैं, तो आप इस भर्ती के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में बात करें तो इंडियन रेलवेज आईआर की तरफ से आपकी इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। एंड इसी के साथ में दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहने वाली है एंड ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी यह जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जितने भी अलाउंस दिए जाते हैं, वो सारे के सारे अलाउंस भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज है, तो ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 30 साल आपकी जो है एज लिमिट रखी गई है, मतलब कि मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक के कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर रहेगा। सो अब ये आपके जो है स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको मिलने वाला है। एंड इसी के साथ में एप्लीकेशन फीस आपको जो है ₹500 जमा करवानी होगी। एंड SC ST के लिए एप्लीकेशन फीस अलग रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी indianrailways.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, जॉन वाइज वैकेंसीज की अपडेट मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर के आ जाऊंगा कि आपकी जो है जॉन वाइज वैकेंसीज कितनी रखी जाएंगी। ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर यात्रा टिकट परिवक्षक पोस्ट के लिए जो है 7784 वैकेंसीज है। एंड इसी के साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बारे में बात कर ले तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपना मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर 12वीं पास कर चुके हैं या फिर आपने जो है अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी जो है 18 से 30 साल रखी गई है। एंड इसी के साथ में SC ST कैटेगरीज को 5 साल के एंड OBC कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार एज में छूट दी जाएगी। साथ ही में PWD व एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को भी अपर एज लिमिट में यहां पर छूट मिलने वाली है। सैलरी के बारे में बात कर ले तो 5200 से 20200 रुपए आपको जो है काफी अच्छी खासी बेसिक पेज के लिए यहां पर मिलने वाला है। 1900 रुपए आपको यहां पर ग्रेड पे दिया जाएगा। सो अराउंड आपकी जो पूरी की पूरी सैलरी यहां पर बनने वाली है, जो या फिर आपकी इन हैंड जो सैलरी बनने वाली है, वो 36000 रुपए पर मंथ बनने वाली है। सो काफी अच्छी खासी आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर ले तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। सो ये आपके कुछ स्टेप रहेंगे, जिनके आधार पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करें तो जनरल एंड इसी के साथ में ओबीसी कैंडिडेट को ₹500 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। SC ST EWS PWD कैंडिडेट को ₹250 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा करवा कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों, इंपोर्टेंट डेट जो है आपके लिए जल्दी ही रिलीज कर दी जाएगी। एंड दोस्तों, इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी अपडेट जो है आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। सो आप इस भर्ती से संबंधित
सारी अपडेट लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इस भर्ती से संबंधित सारी अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी के बटन को जरूर दबा ले ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।